हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर अ रेजिडेंस परमिट। डोंट वरी फ्रेंड, डोंट वरी, मैं बताऊंगा ये कौन सी कंट्री का है। मैं कोई सस्पेंस वस्पेंस नहीं करता अपने वीडियो में, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट। ये देखिए, रेड वाइट रेड, रेड वाइट रेड, EU ब्लू कार्ड, सेटलमेंट परमिट, सेटलमेंट परमिट, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, रेजिडेंट परमिट, सेटलमेंट परमिट। ये देखिए, अब ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपने थंबनेल भी देखा होगा। थंबनेल में क्या लिखा है, बहुत सारे वीज़ा ऑप्शंस में से चूज़ करिए, ठीक है। उसी कंट्री के ऊपर ये वीडियो है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स, जो भी आपका जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये देखिए, स्टार्टअप फाउंडर्स, रेगुलर वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, ग्रेजुएट्स, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट। और ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशली थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए है, इस कंट्री ने बनाया है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्री कौन सी है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, कंट्री है ये, कंट्री कहाँ से मैंने लिया, ये यहाँ से लिया है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और कंट्री कौन सी है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, कंट्री के बारे में आपको बताऊँगा। कंट्री है आपकी ये है ऑस्ट्रिया। ये देखिए, ऑस्ट्रियन एम्बेसी न्यू दिल्ली, ठीक है, आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑस्ट्रियन एम्बेसी। अब देखिए, ऑस्ट्रिया फ्रेंड्स ऐसी कंट्री है जहाँ आप जाके बस सकते हैं 2024 में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इतने सारे वीज़ा ऑप्शन आपको दे रही है, ये कंट्री इतने सारे वीज़ा ऑप्शन आपको दे रही है कि आप जाके आराम से वहाँ पर बस सकते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फ्रेंड्स माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स, पेज वो हो गया था, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप आते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रिया किस तरह से आपको वेलकम करेगी। ये देखिए, सबसे पहले देखिए, कोटा बेस्ड रेजिडेंस परमिट विदाउट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट 2024, मतलब एक तरह से ये 2024 का ये बता रहे हैं कि कैसे आप लॉफुली लीगली एंट्री ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में। अब आप इसको सेलेक्ट करिए, अगर आपको उसके बारे में जानना है, इसको आप यहाँ से वेब सर्च पर या तो आप गूगल पर इसके बारे में और जान सकते हैं, या आप यहीं पर क्लिक करके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कैसे, ये देखिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक कर दीजिए। पहले देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम लगती हैं, लेकिन एक यूरोप में है और एक दूसरा तो एक पूरा कॉन्टिनेंट ही है। तो मेरे मुंह से अगर ऑस्ट्रिया निकल जाए तो बुरा मानिएगा, वो कभी स्लिप ऑफ टंग होता है। अब देखिए, आपको इस इंट्री के लिए, जो ये वाली इंट्री है जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, वापस चलते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जो आपका कोटा बेस्ड रिजर्वेशन था उसके लिए जब आप इस पर आएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा, ये लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। ये देखिए, अब देखिए, द प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट बुकिंग विद रिजर्वेशन कोड इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल, अपॉइंटमेंट्स कैन बी बुक्ड अगेन फ्रॉम 11/12/08 इन द बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग टूल। ये इनका ऑनलाइन बुकिंग टूल है, इसको आप अगर सेलेक्ट करके गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक करना है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं, हाउ एवर अपॉइंटमेंट डेट्स विल ओनली बी अवेलेबल आफ्टर दोज दैट हैव ऑलरेडी बीन बुक विद रिजर्वेशन कोड ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ईयर 2024, यू कैन रिक्वेस्ट टू कॉन्टैक्ट एम्बेसी। अब ये किस चीज़ का अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट है आपका कोटा बेस्ड रेजिडेंस परमिट का, ठीक है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वहाँ से वर्क परमिट ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, तो आप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई। अगर आपको डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए अपना सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट पे डालिए, यहाँ पे लिखिए कि रिक्वेस्ट फॉर वर्क परमिट अपॉइंटमेंट। आप जब लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर वर्क परमिट अपॉइंटमेंट लिख दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट में। और उसके बाद यहाँ पे अपना मैसेज लिख दीजिए, अब लिखिए कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं ऑस्ट्रिया के कोटा बेस्ड रिजर्वेशन के अपॉइंटमेंट के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कैसे लेना है वो मुझे बता दीजिए। अपना नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, कंट्री लिखिए, फ़ोन नंबर लिखिए, कंट्री इंडिया आ जाएगा, फ़ोन नंबर +91 करके डाल दीजिएगा और सेंड कर दीजिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आएगा फ्रेंड्स कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पक्का आप करिएगा अगर आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे, भाई हमें ऑस्ट्रिया में आपने जॉब तो बताई नहीं, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, आपको आना है गूगल पे, लिखना है बेस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसमें देखिए टैलेंट शार्क रिक्रूटमेंट करके ये कंपनी आएगी। देखिए यहाँ पे लोगों ने कमेंट भी लिखा है, वेरी गुड एंड प्रोफेशनल एजेंसी। आपको इसके वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, टैलेंट शार्क रिक्रूटमेंट है ये। ये देखिए, एक तो ये हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके आप
अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, जो आपको चाहिए आपको सब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ इधर है। अभी अगर और भी आपको ढूंढनी है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे और भी कंपनीज हैं। एक माइकल पेज हो गया, फिर उसके बाद ये देखिए हेड हंटर है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी ये सारी देखिए फाइव स्टार वाली हैं, सबको फाइव स्टार दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पर अगर आप क्लिक करते हैं एग्जीक्यूटिव सर्च, तो यहाँ भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इनके बारे में भी है। और वैसे फ्रेंड्स अगर आपको और देखना है तो आप गूगल पे, ये देखिए एक माइकल पेज है, यहाँ से भी आप अपनी देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं डिटेल में सबके नहीं जा रहा हूँ, मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिक क्या है कि आप अगर आपके पास एक अच्छा CV है, अगर आपके पास सब कुछ सही है, तो आप अपने आप CV को अपलोड कर सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया कि अपॉइंटमेंट भी आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स एक मैं आपको यहाँ पर चीज़ दिखा दूँ, आप देखिएगा ऑस्ट्रिया का ही एक पेज है, देखिए migration.gv.at। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ये देखिए migration.gv मतलब government.at मतलब ऑस्ट्रिया। अब देखिए लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया, अगर आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं तो इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है ऑस्ट्रिया एट अ ग्लैंस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए आपके सामने खुल के आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी होता है जानना जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं कि उस कंट्री में आपको करना क्या है। यार आप ऐसे ही पहुँच जाएंगे वहाँ पे, लोग सोचते हैं हम ऐसे ही पहुँच जाएंगे, फ्रेंड्स ये गलत होता है। पहले आपको रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च आपको यहाँ इंडिया में बैठ के करना है, या आप जिस कंट्री में उस कंट्री में बैठ के करना है, उसके बाद आप वहाँ जाइए। ठीक है, देखिए इसके बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको और जानना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन जो मैंने शुरू में खोला था उस पर देखते हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन दिस सेक्शन यू विल फाइंड इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन ऑन इमिग्रेशन। ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं, ये देखिए मोबिलिटी विद इन द EU, परमानेंट इमिग्रेशन, टेम्परेरी रेजिडेंस, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से जाना चाहते हैं, समझ लीजिए मुझे जाना है टेम्परेरी रेजिडेंस, तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे टेम्परेरी रेजिडेंस के पेज पर लेके आ जाएगा। ये देखिए कौन कौन से पर्पज़ हैं जिससे मैं टेम्प्रेरी रेजिडेंस ऑस्ट्रिया में ले सकता हूँ। ये देखिए ICT, मोबाइल ICT, सेकेंड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिसर्च मोबिलिटी, स्पेशल केसेस, स्टूडेंट्स, प्यूपल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ये आप अपने देख लिया, उसके बाद आप यहाँ पे फिर से क्लिक कर दीजिए एक बार, ताकि आपको पता चल जाए टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन पे आके कि कौन कौन सा आप ले सकते हैं। परमानेंट इमिग्रेशन अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए परमानेंट इमिग्रेशन में आपको पता चल जाएगा थर्ड कंट्री नेशनल्स पर्सन्स हु आर नॉट EEE citizens और Swiss national need a residence permit for Austria। शुरू में मैंने जो आपको फॉर्म दिखाया था फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, ये जो मैंने आपको फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर अ रेजिडेंस परमिट। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर अ रेजिडेंस परमिट, यहाँ से ये अप्लाई करना है अगर आपको जाना है ऑस्ट्रिया। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर आप या तो अपनी रिक्वेस्ट पेज भर सकते हैं या वो जो अपॉइंटमेंट का पेज है उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्टेज अप टू 6 months, थर्ड कंट्री नेशनल डू नॉट नीड रेजिडेंस परमिट, दे नीड अ वीज़ा। फर्स्ट स्टे अप टू 90 days, विद इन 180 days अ वीज़ा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सम थर्ड कंट्री नेशनल डिपेंडिंग ऑन देयर सिटीजनशिप। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में रेड वाइट ये सब दिखाया, ये देखिए यहाँ पे दिखाया मैंने आपको रेड वाइट रेड, EU ब्लू कार्ड, सेटलमेंट परमिट, ये क्या है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ये देखिए क्राइटेरिया बेस्ड इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रिया, रेड वाइट रेड कार्ड। ठीक है, यू आर अ क्वालिफाइड वर्कर एंड सिटीजन ऑफ थर्ड कंट्री सीकिंग टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रिया, इन दिस केस यू नीड द रेड वाइट रेड कार्ड। मतलब अगर आप एक क्वालिफाइड वर्कर है, ठीक है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, इंडिया में आप काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो और अगर आपको ऑस्ट्रिया जाना है तो रेड वाइट कार्ड आपको लगेगा। योर फैमिली मेंबर्स कैन अप्लाई फॉर द रेड वाइट रेड कार्ड प्लस, ठीक है, जिसको फैमिली रिडेंटिफिकेशन बोलते हैं। द फैमिली रेड कार्ड इज इशूड फॉर पीरियड 24 months के लिए मिलेगा, 2 साल के लिए मिलता है, इंटाइटल्स यू एज द होल्डर टू फिक्स टर्म सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको देखिए फ्रेंड्स अगर आप अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप जॉब लेके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर रेड वाइट कार्ड इफ़ यू बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब देखिए कौन कौन से ग्रुप इसमें आते हैं ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। मतलब ये मत सोचिए कि जो लोग बहुत हाईली स्किल्ड है वो आते हैं, नहीं, देखिए स्किल्ड वर्कर्स भी आ सकते हैं, अदर की वर्कर्स में कौन कौन हो गया, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब आ गए, ग्रेजुएट्स हो गए, रेगुलर वर्कर्स इन टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। ये देखिए जो लोग टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में कर रहे हैं उनके लिए भी है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अगर आपका खुद का कोई छोटा सा बिजनेस है, आप ऑस्ट्रिया में जाके काम करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स,
कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, आप देखिए इसमें सबके ऊपर अलग अलग दिया हुआ है, तो अगर आप किसी पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बताएगा उसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आप इसको समझिए इसको फ्रेंड्स कैसे है। एज ए थर्ड कंट्री सिटीजन यू मे अप्लाई फॉर रेड वाइट कार्ड एज स्किल्ड वर्कर इन अ शॉर्टेज लोकेशन वैलिड फॉर 24 इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ कंप्लीटेड ट्रेनिंग यू हैव रिसीव्ड अ बाइंडिंग जॉब ऑफर इन ऑस्ट्रिया यू रिसीव्ड अ मिनिमम 55 पॉइंट्स। अब 55 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे पूरी क्राइटेरिया लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए इसको, 30 पॉइंट्स हैं, फिर एक पॉइंट, दो पॉइंट, टोटल मिला के सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लैंग्वेज अच्छी जानते हैं, ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब देखिए ये सब देख के घबराइए मत कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इंडिया में कोई छोटी जॉब भी कर रहे हैं बट लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रिया जाने के लिए एलिजिबल हैं, तो घबराइएगा मत। ठीक है फ्रेंड्स, अब परमानेंट इमिग्रेशन पे मैं फिर से वापस लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अब आ गए फ्रेंड्स। ठीक है, ये है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से जो भी आपके हिसाब से आ रहा है फ्रेंड्स, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार एग्रीकल्चर वाला भी देख लेते हैं हम। ये देखिए एग्रीकल्चर वाला है, यू बीन एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 7 मंथ्स इन द लास्ट 2 ईयर्स एज रजिस्टर्ड रेगुलर सीजन वर्क इन द सेम इंडस्ट्री। मतलब आप 7 महीने से अगर एग्रीकल्चर के उसमें काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये देखिए वेयर टू फाइल द एप्लीकेशन, ये सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो कॉम्पिटेंट रेसिडेंट अथॉरिटी इन ऑस्ट्रिया, मतलब इंडिया में आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी में या काउंसलेट में इसको सबमिट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए एम्बेसी और काउंसलेट में आपको सबमिट करना है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स शुरू में, एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ऑस्ट्रिया जाने के तरीके। फ्रेंड्स इसको छोड़िए मत, ऑस्ट्रिया जाने का पूरा प्रयास करिए। कौन कौन सी अच्छी कंपनीज है मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, वहाँ पे जाके आप अपना सीवी डालिए। अगर आपको डाउट है, पूरा आपको डिटेल में जानना है कैसे जाना है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा A to Z कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया जाइए फ्रेंड्स, बहुत वेलकमिंग है, अच्छी कंट्री है, छोटी कंट्री है और काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिए।